हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये शाम का समय है और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। यहाँ पर सब लोग तैयार हो रहे हैं और हम आ चुके हैं तैयार होकर, ऑलरेडी तैयार होकर आ चुके हैं पूजा के लिए। सबको भी अब आ चुके हैं धीरे धीरे। और इसमें से एक हैं जो 9th मंथ का प्रेगनेंट है, फिर वो तीज की हैं जो अच्छी बात है। और यहाँ पर मम्मी का सिंदूर लगाया जा रहा है नागपुर से, तो आप लोग देख सकते हैं। और हम यहाँ पर अपना पैर रंग रहे हैं आलता से। क्यों कहा था कि जो कोहबर का रंग रहता है उसे पैर रंगना चाहिए, तो रंग रहे थे। आप लोग बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है और हम कैसे लग रहे हैं। ये सारा जो पहन रहे हैं सब जुगाड़ का किया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। साड़ी भी नया नहीं है, कोई भी गहना ज्वेलरी साड़ी कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। तो फाइनली मेरा सब कुछ हो गया है, पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है। और तो घूम रहे हैं, और घूम नहीं रहे थे हम, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और कुछ रील्स बना रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो हम मम्मी एक साइड बैठे हुए थे, बाकी लोग एक साइड बैठे हुए थे। ये सारे मेरे घर के रेंटर्स हैं। तो अब पूजा होने वाली है स्टार्ट। तो यहाँ पर मूर्ति लाया गया है। ऐसे मम्मी हर साल बालू का बनाती थी, लेकिन इस बार मूर्ति आया है रेडीमेड, तो इसे भी विसर्जन ही किया जाएगा। और यहाँ पर मैं भी अपना पूजा करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो और ये वीडियो जो देख रहे हैं कितना फास्ट है, तो इसे मैंने फास्ट किया है क्योंकि सोचा कि क्या ही दिखाऊं, इतना धीरे 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 आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो थोड़ा फास्ट कर दिए हैं। तो चलिए जो तक पूजा करते हैं आप। और यहाँ पर हम मेरा बकवास सुनने से अच्छा है कि हम यहाँ पर म्यूजिक लगाते हैं। आप लोग म्यूजिक सुनिए और वीडियो पूरा इंजॉय करिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।
फाइनली सबको पूजा होने के बाद अब बारी है कथा सुनने की। तो यहाँ पर भाभी कथा कर रही हैं और जिनके बारे में हम बताए थे कि वो नाइन्थ मंथ की प्रेग्नेंट है, तो यही भाभी है जो नाइन्थ मंथ की प्रेग्नेंट है। हिम्मत की बात है कि वो फास्ट कर ली और पूजा भी अच्छी तरह से कर ली, भगवान की देन था। और पीछे यहाँ पर जितनी भी लेडीज हैं सब फास्ट की हुई थी, बस पीछे एक नानी में बैठी हुई है वो नहीं की थी। तो चलिए जल्दी जल्दी कथा सुनने के बाद आपसे मिलते हैं। कथा वगैरह करने के बाद आप बारी है आरती करने की। तो यहाँ पर हो रही है आरती, आरती कर लेते हैं। फाइनली नेक्स्ट ये है नेक्स्ट डे सुबह अभी बज रहा है सुबह के 4। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग उठकर नहा धोकर आ गए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर पूजा हो रही है स्टार्ट, यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं क्योंकि अब विसर्जन करने की बारी है। तो जल्दी 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 हम लोग पूजा कर लेते हैं, आप लोग पूरा देखिए वीडियो। Thank you.
आगे विसर्जन करने के लिए। तो ये तलाई है, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर के सामने ही है, बस 2 मिनट का, तो मेरे घर के सामने एग्जैक्ट सामने है, 2 मिनट लगता है। तो यहाँ पर सब दोनों बच्चा लोग ढूंढ रहा था पैसा, तो उन्होंने बोली थी कि जो पैसे है वो तुम लोग निकाल लो और उससे कुछ खा लेना। तो लोग जरा ढूंढ रहा था, तो ज़्यादा नहीं 55 रुपये निकले थे, तो इससे पूरा घर की पार्टी हो, पूरा घर के बच्चे लोग खा लिए थे बिस्किट वगैरह। बच्चों को खुशी मिलता है कि चलो कुछ मिला अब विसर्जन। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ सिर्फ विसर्जन करने वाले ही लोग हैं, सब जगह दिया जल रहा, मतलब सब विसर्जन ही कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं यहाँ पर सब मिलकर। अब एक एक कपड़ा निकाल रहे हैं, इधर हम लोग का साइड होता है कि जो कपड़ा चढ़ाते हैं भगवान पर, वो एक कपड़ा निकाल जाता है और अपने कपड़े के साथ उसे बांध जाता है। तो वही मम्मी निकाल ली थी और यहाँ पर भगवान का हो गया है विसर्जन, फाइनली विसर्जन हो चुके हैं और के फिराक में है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।